और अब हम आपको सुनाते हैं जुल्सम का किस्सा अजीज में का दो सूरतों सूरत और में आया है। लेकिन दोनों सूरतों में सिर्फ नाम मसकूर है मुख्तसर मुफसल किसी किस्म के हालात का कोई तस्करा नहीं है सूरत आयत पचासी और छियासी में अल्लाह तरमाते हैं وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين اور إسماعيل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر رحمت میں داخل کر لیا ये सब लोग नेक थे अल्लाह ताला तूरा सौद आयत 48 में फरमाते हैं इस्माइल यसा और जुल्किफल का भी जिक्र कर दीजिए ये सब बेहतरीन लोग थे जुल किफल अलेम के मुतालिक जिस तरह कुरान मजीद ने नाम के सिवा कुछ जिक्र नहीं फरमाया इसी तरह नबी अक्रम वसल्लम से भी इनके मुताबिक कुछ मनकूल नहीं है लिहाजा कुरान हदीस की रोशनी में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता की कि जुल सलाम अल्लाह के बरगुजीदा नबी और पैगम्बर थे और किसी कौम की हिदायत के लिए मबूस हुए थे कुरान सुन्नत में इससे ज्यादा सकूत है बाकी रहा सैर व तवारीख में उनका जिक्र तो काफी तफ्तीश और जस्तजू के बाद भी हमें इस सिलसिले में ऐसी ठोस मालूम नहीं मिल सकी जिनके जरिए से जुल्किफल के हालात और वाकयात पर मज़ीद रोशनी पड़ सके चुनाचे तौर भी खामोश है और इस्लामी तारीख भी अलबत् जरीर रही ने मशहूर मुफसर ताबी मुजाहिद रहत ऐसी इनके मतलब एक किस्सा नकल किया है इसी तरह इमाम इबन अभी हातिम ने इसी किस्से के करीब करीब कुछ आसार अब्दुल्ला बिन अब्बास और अबू आसारूसा रजी से नकल फरमाए हैं। ये तवील रिवायात हैं इनमें है कि इबन अब्बास और अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह फरमाते हैं कि किफल नबी नहीं थे बल्कि वो एक नेक और सालिश आदमी थे लेकिन एक तो ये रिवायात सनत के अतबार से जयीफ है दूसरा ये इब्ने अब्बास और अबू मूसा रोजी अल्लाह जैसे सहाबा और मुजाहिद रही से ये नामुमकिन है की वो ये फरमाए की वो नबी नहीं बल्कि एक नेक मर्द थे शाह अब्दुल्क र्लाफ है की जुल्किफल अयूब के बेटे थे और उन्होंने अल्लाह की खातिर किसी आदमी की जमानत दी थी जिसकी पादाश में उनको कई बरस कैद की तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी चुनाचे शाह अपनी तफसीर मुजेल कुरान में लिखते हैं कि अयूब के बेटे थे एक शख्स के जामिन होकर कई बरस कैद रहे और अल्लाह की खातिर ये मशक्कत सही मौजूदा दौर के बादन का ख्याल है कि जुल किफल हिस्कील का लकब है एक दूसरे मुफसर की अजीब गरीब राय यह है कि जुल गौतम बुद्ध का लकब है क्योंकि उसके दारो सल्तनत का नाम किफल था जिसका मौर्रब किफल है और अरबी में जू साहिब और मालिक के लिए आता है और साहेब माल के लिए जू माल और मालिक शहर के लिए जू बलत के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल होते हैं लिहाजा यहां भी किपल के मालिक बादशाह को जुल कहा गया है इस मुफसर ने यह भी दावा किया है कि गौतम बुद्ध की असल तालीम तोहिद और हकीकी इस्लाम ही की तालीम थी मगर इसकी मौजूदा सूरत दूसरे अध्यान की तरह मुहर्रफ और मस्क शुदा है लेकिन ये अकवाल क्या सरा से ज्यादा तारीखी हैसियत से कोई वक़त नहीं रखते हम इस ताब के कायल नहीं हैं कि अगर सही तारीख से ये साबित हो जाए कि कुरान ने जिन अंबिया के सिर्फ नाम जिक्र किए हैं उनका मिस्ताक फुला बरगुजीदा हस्ती है और इसका इनकार सिर्फ इसलिए कर दिया जाए कि इससे पहले चूंकि ऐसी बात किसी ने नहीं कही इसलिए ये काबिल रद्द है यकीनन हम इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि तारीखी हकायक की जस्तजू का बाब बंद नहीं हुआ और आए दिन नई नई तहकीकत सामने आ रही है और जदीद इंकशाफात हो रहे हैं बल्कि इनके जरिए कुरने मजीद और अहादी से रसूल के बयान करदा वाकयात की तस्दीक होती चली जा रही है मुलिद बेदीन लोग इनका, इनका इनकार इसलिए करते और करते आ रहे हैं कि तारीख और फलसफा उनका साथ नहीं देते लेकिन अगर कुरान करीम की बयान करदा किसी हस्ती के मुतालिक मजीद इनकशाफात रोशनी में आए तो हमारे लिए इनकार का बायस नहीं बल्कि मुखालफी पर मजीद हजत और दलील है लेकिन इस हकीकत के इकरार के बावजूद इससे यह भी लाजिम नहीं आता कि किसी के मुतालिक कोई शख्स अगर महज अपने वहम और गुमान और, और अंदाज़ से बेदलील कोई बात कर दे तो जरूर उसको मान लिया जाए चुनाचे चुनाच को गौतम बुद्ध करार देना अभी तक इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता हमारे लिए दुनिया के मुख्तलि गोशो में अल्लाह के फरिश्तादा नबियों पर ईमान लाने के लिए कुरान की वो तीनों दफात काफी है जो दीन इस्लाम का इम्तियाजी वसफ है सूरतुल फातर आयत चौबीस में अल्लाह तरमाते हैं नजी और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमे कोई डर सुनाने वाला न गुजरा हो सूरतुल मोमिन आयत अठहत्तर में अल्लाह तरमाते हैं मिन उम <ंगस्थना> वा के वाकयात हम आपको बयान कर चुके हैं और उनमें से बास के किस्से तो हमने आपको बयान ही नहीं किए सूरतुल बकरा आयत 136 में अल्लाह फरमाते हैं हम रसूलों में से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते इसलिए एक मोमिन का ये अकीदा होना चाहिए कि हम अल्लाह के अंबिया में से किसी नबी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते यानी तमाम अंबिया पर ईमान लाते हैं इस साफ और वाज अकीदे के बाद अगर हमारे सामने किसी मुल्क और किसी खित्ते के अंबिया और रसूल के वाकत नहीं भी आए तो इसके असबाब वजूहत और हैं लेकिन जहां तक इन पर ईमान लाने का ताल्लुक है वो इख्तार से भी काफी है और इनकी तफसी से आगाही हमारी रिश्त हिदायत के यानी अल्लाह पर ईमान और नेक अमाल के लिए जरूरी नहीं है खूस जबकि अल्लाह तला ने हम पर यह हकीकत भी कुरान मजीद में वाजे कर दी है कि नबी अक्रम सल खातिमीन है और तमाम सच्चे अध्यान की सही और हकीकी तालीम की तस्दीक करके इनको बुलंद रजात के दर्जे कमाल तक पहुँचाने वाले हैं, जैसा के सूरतुल मायदा आयत तीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, "الَيَوْمَ أكملتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأثْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا". आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया खुलासा कलाम ये कि हमें ये तस्लीम है कि हिंदुस्तान में भी अल्लाह के सच्चे नबी और पैगंबर मबूस हुए बल्कि सीरत निगारों की रिवायत के मुताबिक अबुल बशर आदम अल्सम इसी हिंदुस्तान के किसी गोशे में उतारे गए लेकिन जब तक कुरान और हदीस की सराहत या तारीख के सही दलायल और बराहीन से ये साबित न हो जाए कि जुल किफल गौतम बुद्ध का लकब है महज और आरा की बिना पर हम इसको तस्लीम नहीं करते क्योंकि जिस तरह किसी नबी को न मानना कुफर की राह है इसी तरह किसी गैर नबी को नबी तस्लीम करना भी बातिल है